2 दिन पहले चुनाव प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्मचारियों को जो दूषित खाना दिया गया था उसको लेकर के जिला कलेक्टर ने जांच कमेटी का गठन करके 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। बुधवार को जांच रिपोर्ट आने के बाद में जिला कलेक्टर जगरूप सिंह यादव ने CMHO नरोत्तम शर्मा को नोटिस थमा दिया है, साथ में सप्लाई करने वाले ठेकेदार को भी दंडित करने का निर्णय लिया है। जिला कलेक्टर ने बताया कि जांच में पता चला कि स्वास्थ्य विभाग और CMHO कार्यालय की और से इस कार्य में लापरवाही बरती गई। आपको जैसा कि विदित है कि एक दिन पहले जब खाने में कुछ एक सब्जी में बदबू आ रही थी, इस घटना की जांच करवाई तो हमें अधिकारियों से रिपोर्ट मिली कि जो गुणवत्ता की जांच करने के लिए जो खाद्य निरीक्षक लगाए जाने थे उनको संभवतः देर से वो ड्यूटी के पे जाने के आदेश मिले और इस वजह से वो सही समय पे नहीं पहुंच सके। इस वजह से एक सब्जी में जो 300-400 पैकेटों में थोड़ी स्मेल थी उसके कारणों की जो व्याख्या की गई तो ये पता लगा कि CMHO ऑफिस से ही उनको देर से आदेश मिले, तो इसके चलते हमने CMHO को भी कर्तव्य में उदासीनता और उसको गंभीरता से नहीं लेने का नोटिस देकर उनका स्पष्टीकरण चाहा है। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।